बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां जिले में कोतवाली देहात के बहादुरपुर गांव निवासी दंपति की 14 जून को रात में फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि फरार एक हत्या आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। आपको बता दें कि कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर गांव में मृतक दंपति साथ गांव में बने फार्म हाउस में रहते थे। 14 जून को रात में दंपति की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक ने मौके का मुआयना कर तीन टीम को खुलासे के लिए लगाया था। सोमवार को पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने डबल हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। एसपी ने बताया कि गांव में चक्रोड पटवाने को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। चक्रोड पटान में पकड़े गए अभियुक्तों की 1.5 बीघा जमीन जा रही थी। ऐसे में आरोपियों ने मृतक दंपत से 2 दिन का समय लिया था। इसी समय में सभी ने मिलकर हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सर्विलांस और एसओजी टीम ने मोबाइल वार्ता और पूछताछ के द्वारा घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने पकड़े गए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि गांव निवासी फरार एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने डबल मर्डर के खुलासा करने वाली पुलिस टीम की सराहना के साथ ही पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। विराट 24 के लिए बहराइच से शहनवाज खान की रिपोर्ट। पिछले महीने 13-14 की रात्रि में पति पत्नी दोनों की गला काट कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए 2 टीमें गठित की गई थी और विवेचना के क्रम में घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें 3 लोगों की संलिप्तता पाई गई है जो उसी गांव के हैं। घटना का कारण जमीन का विवाद था, जिसमें मृतक के द्वारा जो आरोपी हैं उनकी जमीन में चक्रोड बनाने के बाद चल रही थी और उसकी पैमाइश होनी थी, और उसी चीज़ को रोकने के लिए जो आरोपी हैं उन्होंने उनकी हत्या की।